सारी न्यूज़ और मैं हूँ यति आपके साथ। हम आ चुके हैं विश्व प्रसिद्ध सोनपुर मेला में। जी हाँ, सोनपुर मेला, और आप देख सकते हैं यहाँ पे किस तरीके से कृषि प्रदर्शन किया जा रहा है। हम अंदर आपको लेके चलेंगे। कहा जाता है कि बिहार की जो भूमि है वो खेती की भूमि है। हम आपको अंदर लेके जाएंगे और दिखाएंगे किस तरीके से खेती को यानी कृषि को बढ़ावा दिया गया है। आप देख सकते हैं मेरे पीछे कितनी हरियाली दिखाई दे रही है। आप देखिए यहाँ पे अंतर्वर्ती खेती, यहाँ पे बोर्ड हम आपको अपने कैमरे के माध्यम से दिखा रहे हैं, पढ़ पा रहे होंगे आप लोग। फसल यहाँ पे आलू प्लस संकर मक्का, ये है जो इसकी खेती यहाँ पे करवाई गई है। और भी आप आगे देख सकते हैं विभिन्न विभिन्न प्रकार की जो है कृषि की यहाँ पे प्रदर्शनी जो है वो लगाई गई है। बिहार सरकार के द्वारा खेती को बहुत ही ज़्यादा बढ़ावा दिया गया है। आप देख सकते हैं हमारे कैमरे के माध्यम से किस तरीके से खेती जो है वो यहाँ पे करवाई गई है। आप इधर साइड भी देख सकते हैं, हम कहेंगे इधर भी आप दिखाइए थोड़ा। यहाँ पे जलवायु अनुकूल कृषि कार्यक्रम इसमें है जो कि अभी हमको लगता है स्थगित। विश्व कीर्ति नर्सरी है, इसके अंदर हम जाएंगे और बात करेंगे। ये जैसे कि फूल पत्ती है, जैसे आम है, अमरूद है, सेब है, अनार है, संतरा है, केला है, और मतलब एक यहाँ पे अंगूर जो है। आप यहाँ पे कैमरे में, यहाँ अंगूर फला हुआ भी है। ये अंगूर है, देखिए जो ये अंगूर है जी, ये अंगूर का पौधा है। आप देख सकते हैं बहुत कम ये है जो देखने को मिलता है हमारे बिहार में। आप देख सकते हैं इसमें फल भी आ रहा है अंगूर का, आप देखिए। और भी अंकल कुछ खास है जो हमारे दर्शकों को दिखाना चाहेंगे, आप तो दिखाइए। ऐसा पौधा जो बहुत कम देखने को मिलता है यहाँ पे, काजू का भी हमने देखा कि आप दिखाइए थोड़ा। यहाँ पे काजू हाईब्रिड का पौधा है, आप देख सकते हैं। लोग ये जानते भी नहीं होंगे कि काजू, कई लोग होंगे वो ये नहीं जानते होंगे कि काजू पौधे से होता है। तो आप देख सकते हैं हमारे वीडियो के माध्यम से हम आपको दिखा रहे हैं। ये कितना टाइम लगता है अगर इस पौधे को लगने में? साल भर में फल जाएगा, ये साल भर में फलेगा। तो इसमें एकदम काजू, ये हाईब्रिड का काजू है, हाईब्रिड है। इसकी कीमत क्या है अंकल? 500 का है, 500 का एक पौधा है। तो जो लोग भी ये नहीं जानते हैं, और भी अंकल ऐसे कोई पौधा है? सूखा हुआ, कचा हुआ कोई भी डाल सकते हैं। कचा हुआ, ये गरम मसाला का पौधा है। अच्छा, इसमें ऑल स्पाइस को बोलते हैं, कोई भी ऑल स्पाइस को बोलते हैं। और अंकल कोई ऐसा पौधा जो बहुत यूनिक हो? हर श्रृंगार क्या है अंकल, आप बताएंगे? ये हर श्रृंगार का पौधा फूल होता है, ये फूल होता है हर श्रृंगार का, फूल होता है। और बताइए, एक ऑल टाइम आम बारहो मास फलता है। ये ऑल टाइम आम है जो ये बारहो महीने मंजर दिया हुआ, देखिए मंजर देख सकते हैं आप वीडियो में। अगर आपको दिखाई दे तो ये अभी भी इसमें मंजर निकला हुआ है, ये बारहो महीने आम का है। ये देखिए, ये दालचीनी है, फला हुआ। इसी में जावित्री फलता है, इसमें जावित्री जी। तो इसका अंकल दाम क्या है पौधे का? ये 300 का पड़ेगा, ये 300 का एक पौधा पड़ता है, लगाया गया है। तो नाम क्या हुआ अंकल आपका? उपेंद्र कुमार चौसिया जी। और ये दुकान का नाम आप? विश्व क्रांति नर्सरी। नर्सरी, जो आप देख सकते हैं कि ऐसे बहुत से पौधे होते हैं जिनके बारे में हमें पता भी नहीं होता है कि वो पेड़ में खिलते हैं। तो हमने अपने वीडियो के माध्यम से आपको दिखाने की कोशिश की है। आगे और भी ऐसी चीज़ें हैं जो काफ़ी अलग है, काफ़ी आकर्षण का केंद्र बनी हुई है। आप देख सकते हैं ये कार्यालय संस्था का नाम भूमि संरक्षण निदेशालय है। ये आप देख सकते हैं यहाँ पे किस तरीके से दिखाया गया है, बागवानी, फूल की खेती, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं इस बार सोनपुर मेले में जो काफ़ी ज़्यादा आकर्षण का केंद्र देखने को मिल रहा है। आकर्षण का जो है वो स्रोत आप पढ़ सकते हैं अगर इस वीडियो में, तो आप देख सकते हैं भूमि संरक्षण निदेशालय है ये, जो कृषि विभाग द्वारा, भारत सरकार द्वारा ये लगाया गया है। से ही ऐसे बहुत से हैं पौधे, देख सकते हैं बिहार की भूमि में किस किन किन पौधों के आप देख सकते हैं किस तरीके से खेती जो होती है उसको एक दिखाया गया है स्वरूप। आप देख सकते हैं किस तरीके से दिखाया गया है। और भी आगे हैं, हम ले चलते हैं आपको, हम आपको पूरा दिखाएंगे। ये जो कृषि प्रदर्शन जो लगा है हम आपको पूरा दिखाने का कोशिश करेंगे हमारे वीडियो के माध्यम से। ये एक है बिहार कृषि उत्पाद मूल्य संवर्धन प्रणाली है। यहाँ आएंगे और देखेंगे, जानेंगे, ये काफ़ी आकर्षक लग रहा है देखने में। आप देख सकते हैं किस तरीके से कुछ बिल्डिंग्स हैं
जो भी हमें सहायता कर सकते हैं वो मतलब किसानों के लिए आप सहायता करते हैं, तो आप बता सकती हैं आंटी हमारे दर्शकों को, भाई आप बताइए हमारे दर्शकों को क्या कुछ है जिससे हम किसानों को जागरूकता आप लोग कर रहे हैं, आप बताइए। हमारा ऑर्गेनाइजेशन है आत्मबोध, जिसके तहत हम लोग किसानों को जिस भी तरह का लीगल अवेयरनेस होता है, उनको जिस भी तरह की कानूनी सहायता दी जा सकती है, उनको जो हमसे चाहिए होगा, जिस भी तरह के डॉक्यूमेंटेशन की ज़रूरत होगी, उन सब चीज़ों की सहायता हम उनको प्रदान करेंगे। बहुत सारे स्कीम्स है गवर्नमेंट के जो किसानों तक पहुंच नहीं पाते हैं, हम उन तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं और उनको टाइम टू टाइम अवेयरनेस गांव-गांव जाकर उनको, हमारी एक टीम है आत्मबोध की जो गांव-गांव जाकर उनको उन स्कीम्स के बारे में अवेयर कर रही है और उसको इम्प्लीमेंट कैसे किया जा सके, वो स्कीम्स का फ़ायदा किस तरह से उठा सकते हैं, इसके बारे में हम उनको जागरूक हैं। जो आप बता पाएँ मतलब आसान भाषा में आप समझा पाएँ तो आप हमें बताइए ज़रूर। फिशरीज के लिए बहुत सारी योजना है, मत्स्य पालन है, मछली पालन है और हमारा सोलर लाइट प्रोजेक्ट है, ये सारे प्रोजेक्ट है जो बहुत बड़े तबके पे सब्सिडी दे रही है सरकार उनको, लेकिन ऐसा है कि उनको नहीं पता होने के कारण वो सब्सिडी का फ़ायदा नहीं उठा पा रहे हैं, तो इन सारे चीज़ों का इम्प्लीमेंटेशन हम करा रहे हैं। और बहुत सारे तरीक़ों से, जैसे बहुत बड़े थोड़े उद्योगपति और फार्मर्स भी हैं जो अपने बड़े लेवल पर अगर किसी चीज़ का प्रोडक्शन करते हैं तो उन प्रोडक्ट्स को हम लोग इंडिया से बाहर भी भेजने का काम कर रहे हैं। जैसे अभी हाल फिलहाल में जर्दालू आम का आपने सुना होगा, तो जर्दालू आम हमारी ही एनजीओ के द्वारा, हमारी ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा यूके तक पहुंच चुका है, यूके के लंदन वहां की जो भी हाल फिलहाल में क्वीन का डेथ हो गया है वो भी हमारी जर्दालू आम को टेस्ट करके उसके बारे में बहुत सारी तारीफ कर चुकी हैं और बहुत सारे प्रधानमंत्री को हम लोगों ने भेजा है और विदेशों में हम लोग एक्सपोर्ट कराने का, अगर किसी भी फार्मर्स को ये है कि अगर वो अपना प्रोडक्ट विदेश सप्लाई करना चाहते हैं तो उनके प्रोडक्ट्स को विदेशों में, मतलब आप यहाँ ही नहीं, आप विदेशों में भी बिहार की जो खेती है उसको आप वहाँ तक पहुँचा रहे हैं। जी बिल्कुल, अभी हमारा बहुत सारा प्रोजेक्ट है किसान से भी रिलेटेड है, आर्ट एंड क्राफ्ट से भी रिलेटेड है, एक पूरा प्रोसेस है और हमारा ऑफिस भी है, हमारा ऑफिस हाजीपुर में BSNL गोलंबर के पास है, आत्मबोध लीगल सर्विस क्लिनिक, और पटना में भी है, न्यू दिल्ली में भी है और रामपुर में भी है, चार जगह अभी हम लोग अपना ऑफिस चला रहे हैं। उस चारों ऑफिस के ज़रिए जिन भी लोगों को फार्मर से रिलेटेड या किसी भी तरह की कोई विधिक सहायता होगी तो वो हमारे सेंटर पे आए, हम निःशुल्क सुविधा उनको दी जाएगी और हम लोग इसी प्रयास में लगे हुए हैं। और हमारी सारी टीम पूरी एडवोकेट्स की टीम है जो हाईकोर्ट प्रैक्टिस कर रही है, हमारे सेक्रेटरी हैं डॉक्टर मौर्य विजय चंद्रा जो सुप्रीम कोर्ट में एडवोकेट हैं और हम लोग यहाँ पर सारे एडवोकेट्स हैं जो पटना हाईकोर्ट में प्रैक्टिस कर रहे हैं और बहुत सारे हमारे वॉलंटियर्स हैं जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स में भी लगे हुए हैं। तो बेसिकली ये हमारा है कि हमारी टीम जो है आज के डेट में बिहार के पूरे हर ज़िले में फैल चुकी है और किसी भी ज़िले में किसी को भी किसी तरह की विधिक सहायता की ज़रूरत हो, नीचे तबके के लोग जो विधिक सहायता नहीं ले पा रहे हैं, नहीं ले सकते हैं पैसे की कमी की वजह से, तो उनको हम लोग निःशुल्क सुविधा देने का काम कर रहे हैं। तो आप देख सकते हैं किस तरीके से बिहार सरकार जो है इस बार सोनपुर मेले में बहुत विशेष तरीके से, जो आप देख सकते हैं काफ़ी ऐसे आकर्षण का जो है वो जरिया बना चुकी है। आप देख सकते हैं यहाँ पे किसानों को लेकर के, जो गरीब तबके के लोग हैं उनको लेकर के काफ़ी ज़्यादा सहूलियत दी गई है ताकि वो भी खेती बाड़ी करके पैसे कमा सके, आमदनी जो भी होती है। आप देखा, आप एक बार दिखा सकते हैं तो दिखाइए पूरा, ये जो नाम है ये बोर्ड है आत्मबोध का, ये है पूरा फ्रेंचाइजी जो बोल सकते हैं वो चलाया जा रहा है। काउंटर लगा है कृषि प्रदर्शनी के अंदर, आप आएंगे वहीं पे तो आप यहां आकर के आप जान सकते हैं और खेती को लेकर के काफ़ी ज़्यादा ये लोग बढ़ावा दे रहे हैं। आप मेरे पीछे और भी देख सकते हैं, काफ़ी ऐसे हैं।